मॉर्निंग क्लास, आज हम बात करेंगे नए टॉपिक के बारे में, दैट इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स। मतलब कि सिंथेटिक फाइबर्स के अंदर कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स पाए जाते हैं। दैट्स ऑल वी विल टॉक, इन सब के बारे में जो है आज हम बात करने वाले हैं। जिसके अंदर सबसे पहला है सिंथेटिक फाइबर्स आर ड्यूरेबल। ड्यूरेबल इन द सेंस वी कैन से ये जो है ऐसे फाइबर्स होते हैं जो लॉन्ग टाइम के लिए रन करते हैं, लंबे समय तक जो है ये फाइबर्स रन करते हैं। दैट्स व्हाई वी आर कॉलिंग इट लाइक सिंथेटिक फाइबर्स आर ड्यूरेबल, राइट। ड्यूरेबल का मीनिंग, आई होप यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ड्यूरेबल। ड्यूरेबल इन द सेंस लॉन्ग लास्टिसिटी पाई जाती है, लंबे समय तक जो है ये फाइबर्स चलते हैं। सेकेंड, सिंथेटिक फाइबर्स आर ड्राइड अप क्विकली। सिंथेटिक फाइबर्स जो है जैसे मतलब कि सपोज हम बात करते हैं अम्ब्रेला, छत्ता जो है, राइट। जैसे छत्ते को अपन कैरी करते हैं ड्यूरिंग रेनी सीजन, तो अपन देखते हैं वो भीग जाता है, पर भीगने के बाद में भी जो है वो इजीली सूख जाता है। व्हाई वी आर सेइंग दिस, बिकॉज दैट छत्ता अम्ब्रेला इज मेड ऑफ सिंथेटिक फाइबर, वो सिंथेटिक फाइबर से मिलकर बना हुआ है, और सिंथेटिक फाइबर में प्रॉपर्टी पाई जा रही है कि ये इजीली जो है ड्राई अप हो जाते हैं, इजीली जो है क्या हो जाता है, ये सूख जाते हैं। देन नेक्स्ट, दे आर लेस एक्सपेंसिव इन द सेंस, मतलब कि जो है आपको इनको परचेज करने के लिए ज़्यादा पैसा खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। ये नेचुरल फाइबर्स की तरह नहीं होते हैं कि बहुत ज़्यादा कॉस्टली हैं, ज़्यादा मनी वेस्ट करना पड़ रहा है आपको, ऑलराइट। तो इजीली कहीं भी मिल जाते हैं। इसके अलावा ये लेस एक्सपेंसिव होते हैं, ज़्यादा पैसा खर्च करने की ज़रूरत नहीं है, थोड़े से पैसे के अंदर जो है आप इनको खरीद सकते हो, दे आर लेस एक्सपेंसिव। नेक्स्ट है, दे आर रीडली अवेलेबल इन द सेंस, ये जो है हर कहीं पे मिल जाते हैं, किसी भी लोकेशन के ऊपर आप देख लो। जस्ट लाइक इफ यू टॉक अबाउट प्लास्टिक, प्लास्टिक एक सिंथेटिक फाइबर है, प्लास्टिक आपको हर कहीं पे मिल जाएगा, छोटे से लेके बड़े जो भी मार्केट्स हैं, ऑलराइट, हर कहीं पे जो है आपको सिंथेटिक फाइबर मिल जाएगा। तो वी कैन से दीज आर रीडली अवेलेबल, हर कहीं पे जो है ये मिल जाते हैं। नेक्स्ट है, दे आर ईजी टू मेंटेन, मेंटेनेंस इनका ज़्यादा हाई नहीं होता है। सपोज दैट अगर सिंथेटिक फाइबर घटिया आ गया है, खराब आ गया है, तो अपन को ज़्यादा गिल्ट फील करने की जरूरत नहीं है। गिल्ट फील करने की जरूरत क्यों नहीं है, बिकॉज दीज आर लेस एक्सपेंसिव, ये लेस एक्सपेंसिव है। इसके अलावा रीडली अवेलेबल है, मतलब कि हर कहीं पे इनकी अवेलेबिलिटी पाई जाती है। सो दैट इज ऑल अबाउट ईजी टू मेंटेन। नेक्स्ट, ईजी टू कैरी। कैरी करने के अंदर भी जो है ज़्यादा कुछ मतलब कि अपन को वे उठाने की ऐसी कुछ जरूरत नहीं है। दे आर लाइट वेटेड थिंग्स, लाइट वेटेड होते हैं, डेलिकेट होते हैं, फ्लेक्सिबल होते हैं, ये सारी की सारी प्रॉपर्टीज इनमें पाई जाती है, इसीलिए कहीं पे भी अपन इनको इजीली कैरी कर सकते हैं। सो नाउ आई एम रिपीटिंग ऑल द प्रॉपर्टीज, लाइक दे आर ड्यूरेबल, राइट, लॉन्ग लास्टिसिटी पाई जाती है, ईजीली ड्राइड अप मतलब ये गीले हो जाएंगे, तुरंत सूख जाएंगे, लेस एक्सपेंसिव, परचेज करने के अंदर ज़्यादा पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं है, रीडली अवेलेबल, हर एक मार्केट में आपको मिल जाएंगे, छोटे से लेके बड़े, मेगा माइक्रो व्हाटएवर मार्केट्स आप हर कहीं पर मिल जाते हैं। ईजी टू मेंटेन, मेंटेनेंस इनका बहुत ही लो होता है, लो मेंटेनेंस होता है इनका, अगर ख़राब भी हो जाते हैं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, अपन वापस इनको अफोर्ड कर सकते हैं। नेक्स्ट, ईजी टू कैरी, कहीं भी जो है अपन को कैरी कर सकते हैं, क्योंकि डेलिकेट होते हैं, इसके अलावा वी कैन से स्ट्रॉन्ग होते हैं ये, और कैरी करने में भी प्रॉब्लम नहीं होती है। सो ये कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज़ हैं जो कि किसी में पाई जाती है सिंथेटिक फाइबर्स के अंदर। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दीज ऑल प्रॉपर्टीज़। नेक्स्ट टाइम वी विल टॉक अबाउट अ नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज प्लास्टिक। किसके बारे में बात करेंगे अपन, प्लास्टिक के बारे में बात करेंगे। ओके, आई होप यू गेटिंग दिस थिंग। थैंक्स, हैव अ नाइस डे।